हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू काउंट बैकलॉग्स एंड कनाडा में कितने बैकलॉग्स एक्सेप्टेबल है। सो सबसे पहले तो जो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि बैकलॉग कैसे काउंट किए जाते हैं, इट्स वेरी इजी। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक फ्री अटैम्प्ट दी जाती है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इसके अलावा जितनी भी आप एक्स्ट्रा रिपेयर या एक्स्ट्रा अटैम्प्ट्स लेते हैं वो बैकलॉग काउंट होता है। डजेंट मैटर कि आपने उसको फ़ेल किया है या आपने वो एग्ज़ाम को स्किप कर दिया है। तो अगर आपने कोई एग्ज़ाम भी स्किप कर दिया है और नेक्स्ट इनटेक में उस सब्जेक्ट को पास कर रहे हैं तो वो एक बैकलॉग ही गिना जाएगा। अगर आप एक सब्जेक्ट को पास करने में चार अटैम्प्ट ले रहे हो तो उसके थ्री बैकलॉग गिने जाएंगे जो आपने एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। इसी तरह से आप जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स हैं और रीपियर्स हैं, रीपियर्स को काउंट करके अपने बैकलॉग काउंट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कैनेडा में कितने बैकलॉग्स एक्सेप्टेबल हैं, वीज़ा आ जाता है या नहीं। तो इसका आंसर ये है कि कनाडा में जो मोस्टली कॉलेजेस हैं पीजी प्रोग्राम्स के लिए 7 to 8 बैकलॉग्स ही लेते हैं, लेकिन देयर आर मैनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप डबल डिजिट्स में भी बैकलॉग के साथ अपना ऑफर लेटर ले सकते हैं और वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा भी आ रहे हैं। हमारे बहुत सारे वीज़ाज आए हुए हैं विद 20+ बैकलॉग्स। उसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी प्रोफाइल की फुल असेसमेंट करेंगे और आपको ऑप्शंस बता देंगे कि कहाँ कहाँ पे आपके जो हैं हाई वीज़ा चांसेस हैं विद बैकलॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।